आज से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हो गई है। उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे बसा पुरी नामक ऐतिहासिक शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान होने की वजह से इसे जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ को श्री विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पुराणों में जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ यानी स्वर्ग कहा गया है। यह हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ चौथा धाम माना जाता है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वर्क रेखीय आकार का है। इसके शिखर पर अष्टधातु से निर्मित विष्णु जी का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के कई मंदिर हैं, जिनमें से माँ विमला देवी शक्तिपीठ भी शामिल है। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो सिंह लगे हुए हैं। दर्शन के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चार द्वार हैं, जिनके जरिए श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाएं तरफ आनंद बाजार और बाएं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से ज्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ ना तो प्रसाद बचता है और ना ही कभी कम पड़ता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातः काल भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि प्राचीन समय में भगवान की एक परम भक्त थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फलमेवी की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा सरल रहते हैं, तो प्रभु बोले, माँ जो भी बनाया वही खिला दो, बहुत भूख लग रही है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और ठाकुर जी को बड़े चाव से खिचड़ी खाने दे दी। प्रभु बड़े प्रेम से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झेलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे प्रभु का कहीं मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्मा उनका दुलार कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए रोज आप खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर रोज ऐसे खिचड़ी खाऊंगा। अब कर्मा रोज बिना स्नान के ही प्रातःकाल ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। कथा अनुसार ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे, लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आया। उसने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान के ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती है। उसने ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने व अर्पित करने के लिए कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी अब उनसे खिचड़ी खाने आए, तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी झूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए और वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा बताई। जब ये बात साधु को पता चली तो बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। इसीलिए आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है।